नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। इस खास बुलेटिन में आज हम बात करेंगे देश भर से जुड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहली जो खबर वो जुड़ी हुई है आज की इस खास तारीख से। आज 14 फरवरी है और आज ही की तारीख हर किसी के दिल में जिंदा है। शायद ही कोई ऐसा होगा जो आज की तारीख भूलना चाहेगा, क्योंकि ये वही तारीख है जब हमारे 40 जवान शहीद हुए थे। साल 2019 में 14 फरवरी को देश में ऐसी चीख पुकार मची थी जिसके शोर में एक आम हिंदुस्तानी तड़प रहा था। 40 घरों की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए बुझ गई थी। पुलवामा हमले के बाद देश महीनों तक गमगीन रहा। हादसे के 5 साल हो गए हैं, लेकिन ये दिन आम हिंदुस्तानी कभी नहीं भूल सकेगा। विस्फोटकों से भरी हुई एक कार के साथ एक आत्मघाती हमलावर ने सीआरपीएफ की गाड़ी को टक्कर मार दी और सब कुछ तबाह कर दिया। लेकिन 5 साल बाद भी पुलवामा आतंकी हमले का मास्टरमाइंड भारत की पकड़ से दूर है। हमले की प्लानिंग जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर ने की थी। उसके बारे में जानकारी मांगे जाने पर पाकिस्तान से कोई जवाब नहीं आया। पिछले 5 सालों में भारत ने हमले में शामिल रहे 19 आतंकवादियों में से 15 को निपटा दिया है। इन 15 को या तो गिरफ्तार कर लिया गया है या फिर वो एनकाउंटर में मारे गए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA ने पुलवामा केस में अजहर, उसके भाई रऊफ असगर और रिश्तेदार अम्मार अलवी को मुख्य साजिशकर्ता बताया। तीनों भगोड़े पाकिस्तान के नागरिक हैं। तीनों को 2019-21 के बीच आतंकी घोषित किया जा चुका है। इनके अलावा हमले में शामिल रहा मोहम्मद इस्माइल भी फरार है। और आज एक बार फिर 14 फरवरी की वो तारीख जो हमारे देश के लिए एक काला दिन बन गया। हमने आज ही के दिन अपने 40 वीर सपूतों को खो दिया था। पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी नापाक हरकत को अंजाम दिया था और सुबह सवेरे के साथ ही पूरे देश में गम की एक लहर दौड़ गई थी। तस्वीरें हम आपको उसी वक्त की दिखा रहे हैं जब 5 साल पहले पुलवामा अटैक में शहीद हुए हमारे 40 जवानों के पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचाए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी और हम अब भी पुलवामा अटैक के मुख्य आरोपी को, मसूद अजहर को, पकड़ नहीं पाए हैं। हालांकि इस पूरे अटैक में 19 आतंकी शामिल थे। उन 19 में से 15 आतंकियों को हमने उनके किए के सिले तक पहुंचा दिया है, उनके अंजाम तक पहुंचा दिया है। कुछों को गिरफ्तार कर लिया गया, कुछ एनकाउंटर में मार दिए गए, लेकिन अब भी जो 3 मुख्य आरोपी थे वो खुले घूम रहे हैं। दरअसल ये तीनों ही पाकिस्तान के नागरिक हैं और पाकिस्तान की फितरत से हम सभी वाकिफ हैं। पाकिस्तान कोई वो मौका नहीं चूकता जब वो भारत को क्षति पहुंचाए। पाकिस्तान वो कोई मौका नहीं चूकता जब वो हमारे वीर सपूतों को नुकसान ना पहुंचा सके। पाकिस्तान कभी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता और यही पाकिस्तान उन तीनों भगौड़ों को अपनी शरण में लिए हुए हैं, क्योंकि वो तीनों पाकिस्तानी नागरिक हैं। इसलिए पाकिस्तान से पूछा गया था इनकी मौजूदगी के बारे में, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा की तरह इनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली जी जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आज का ये जो दिन है वो जाहिर तौर पर कोई भी भारतीय इस दिन को भूलेगा नहीं। और आज हम एक बार फिर 5 साल बाद यह उसी निष्कर्ष पर हैं, उसी चीज़ पर अड़े हुए हैं कि पाकिस्तान हमें मुख्य आरोपियों के बारे में बताता नहीं है। बिल्कुल, और ये पाकिस्तान, हालांकि पाकिस्तान हमेशा से यही करता आया है, पाकिस्तान कभी हमें सहयोग नहीं करता है। हर बार आतंकियों को कभी वो शहीद का दर्जा देता है तो कभी वो आतंकियों को अपने यहाँ पनाह देता है। पुलवामा अटैक के बाद इन 5 सालों में आप भारत और पाकिस्तान को कहाँ पर देखते हैं हमारे रिश्तों को? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि
पुलवामा अटैक के बाद उसी साल 2019 में अगस्त में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और अल्फा हमने बाद में जो घटनाएं हैं उनमें तब्दीली तो आई है, हथियार तो बदलेगा नहीं तो तब्दीली आई है, लेकिन आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल नासुर है, वो बदलता नहीं है और वो बल्कि जो उग्रवादी मारे जाते हैं उनको शहादत का दर्जा दे देता है उल्टा। क्योंकि आपके 1999 में जब घुसपैठी घुसाए थे कारगिल के अंदर, वो पूरे पाकिस्तान की सेना में इसके थे, जब इनकी जांच करी, इनको ढूंढा गया तो इनके देखा इनकी वर्दी में से, इनके शव में से पाकिस्तान रेगुलर आर्मी के आई कार्ड निकले, ये उनके सिपाही थे, उनके फौजी थे। तो बेसिकली पाकिस्तान की सेना को भी मैं कुछ उग्रवाद से कम नहीं मानता हूँ। अब दूसरी बात है कि इसका हल क्या है, कैसे हमने पाकिस्तान के ऊपर हमने प्यार से बात कर ली, डंडा मार दिया, घर में घुस के मार दिया, एयर स्ट्राइक्स कर ली, सर्जिकल स्ट्राइक्स कर लिए, अन्य देशों ने भी उन्होंने वही कार्रवाई करी है, ईरान ने करी है, अमेरिका ने करी है, लेकिन पाकिस्तान नासुर है, वो कभी सुधरता नहीं है। वो कहते हैं ना कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, आप कुछ भी कर लें, कितना भी कोशिश कर लें, वो सीधी हो ही नहीं सकती है। तो उसी तरीके से ये देखिए, पिछले मैंने जब पुलवामा अटैक हुए थे तो पिछले 5 साल पहले मैंने एक ओपन लेटर लिखा था जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट आउटफिट को, जिसके बिल करोड़ों में शेयर हुए थे, और एक उधर और एक उमेश जाधव जी एक हैं, वो अपनी गाड़ी अपनी पर्सनल खर्चे पे सीआरपीएफ के हर एक शहीद के घर गए थे, घर टू घर मिट्टी जमा करते हुए। वो आज भी बल्कि दिल्ली आए हुए हैं और यहाँ पूरी हर नागरिक ने अपनी तरफ से पूरी जरूरत लगा के पूरी कोशिश करी है, लेकिन बात वही वहां पर आगे खत्म हो जाती है कि पाकिस्तान कब आईटी में जो स्पेशलिस्ट है, पाकिस्तान आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इंटरनेशनल टेररिज्म, ठीक है, तो पाकिस्तान कब सुधरेगा वो नहीं सुधरने वाला। अगर हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद वो सुधर जाए, हालात ठीक हो जाए, हालात सामान्य हो जाए, कभी नहीं सुधरने वाला पाकिस्तान। और वहां की जो लीडरशिप है, अभी आप देख लीजिए इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन की रिजल्ट नहीं बता रहे वो लोग, क्यों? क्योंकि वहां की मिलिट्री ने ऑलरेडी फैसला कर दिया है कि अगला वजीर आजम कौन होएगा, या तो बिलावल भुट्टो हो या तो शरीफ ब्रदर्स में से दोनों, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ, इमरान खान और कुश्ता बीवी को तो अंदर कर दिया जेल के अंदर पहले से, तो वो तो इलेक्शन से बाहर हो गए। तो पाकिस्तान जी, तो पाकिस्तान बिल्कुल नासुर है। और अगर हम उम्मीद कर रहे हैं, मेरे ख्याल से जो इनको करा जवाब जो देते ना, यही वही भाषा समझते हैं जो इस भाषा की। मोहम्मद अली शाह साहब, आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं? पुलवामा अटैक हुआ, हमने पुरजोर तरीके से उसका विरोध किया, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी हमने पाकिस्तान को एक्सपोज करने की पूरी कोशिश की है, लगातार हम कहते हैं। इसके बाद 12 दिन बाद ही हमने 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक भी की, मुंहतोड़ जवाब दिया, जैश ए मोहम्मद के तमाम आतंकी ठिकाने थे जिनको अटैक किया गया, लेकिन आज भी जो मुख्य आरोपी हैं आज भी हमारी गिरफ्त से दूर हैं, आज भी वो हमारी पकड़ से दूर है। क्यों? क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क, वो मुल्क जो कभी हमारा ही हिस्सा हुआ करता था, वो मुल्क उन्हें पनाह दिए हुए है। तो 26 फरवरी का वो अटैक, बालाकोट एयर स्ट्राइक जो हमने किया, लेकिन आज तक मुख्य आरोपियों को ना पकड़ पाना। जी, आपकी बात सही है। देखिए, बल्कि आप उम्मीद क्या करें एक ऐसे मुल्क से जहां पे हाफिज सईद जैसे उग्रवादी, दहशतगर्दी दरिंदे वो जेल के अंदर हैं, लेकिन उनके फिर भी इलेक्शन लड़वा रहे हैं, उनके बेटे इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके दम पे, उनके बेटे का तो नाम भी सुना होगा किसी ने भी, वो जानता भी नहीं, लेकिन हाफिज सईद के नाम पे भाई वहां पे उग्रवादी नेता बन रहे हैं। तो अब जब ऐसा मुल्क जहां पे उग्रवादी नेता के लिए खड़े होंगे, हम ऐसे मुल्क से उम्मीद भी कर क्या सकते हैं? तो और ये नाम तो हमें देंगे नहीं। आपको मैं बताता हूं, हमने 71 में इनसे 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर लिए थे पाकिस्तान से, है 71 की लड़ाई में, मेरे फादर ने भी उस जंग में हिस्सा लिया था, वो भी फौज में थे, और इन्होंने हमें से 56 लिए थे, हमारे से 56 प्रिजनर ऑफ वॉर। आज तक इनका मालूम नहीं पड़ा, रेड क्रॉस सोसाइटी ने गए, यूएन ने गए, इंस्पेक्ट की इनकी जेल्स, इनकी फैमिलीज ने चिट्ठियां लिख लिख के जमाना निकल गया, लेकिन आज तक उन 56 में से किसी का मालूम नहीं पड़ पाया गए कहां वो। आप हिंदुस्तानियों ने उनको उनके बाल्टी मग समेत वापस भेजा, उनको
पूरा जिनेवा कन्वेंशन के तहत उनको इज्जत दी सब कुछ, मगर ना देखिए पाकिस्तान जो है ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि, और मैं ऐसा बंदा हूं जो मैं बहुत अमल शांति उसमें था, मैं कभी नहीं इसमें बढ़ावा दिया कि हेट्रेड को या दुश्मनी को, मगर जो चीज हो ही नहीं बिल्कुल मोहम्मद अली शाह साहब, भारत ऐसा देश है ही नहीं जो हेट्रेड को या हिंसा को किसी भी तरह से बढ़ावा दे, लेकिन हम वो हैं जो अपने ऊपर उठ रही आंख को बर्दाश्त भी नहीं कर पाते हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट वीएन झा साहब जुड़ चुके हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेंगे। झा साहब, हम आज एक ऐसे देश के बारे में बात कर रहे हैं, एक तो एक ऐसी तारीख, ऐसा दिन जिसने पूरे देश को हिला दिया था, हर एक भारतवासी की आंखों में आंसू थे उस दिन जब दोपहर 3 बजे ये अटैक हुआ और 40 जवान हमारे शहीद हो गए। आज 5 साल बाद भी हम उस देश की बात कर रहे हैं जो खुद पॉलिटिकली इतना अनस्टेबल है कि वहां पर चुनाव नतीजे रातों रात बदल जाते हैं। जिस देश में चुनाव नतीजे आधी रात तक घोषित हो जाते हैं, इस बार के चुनावों में उसी देश में अगले दिन दोपहर तक चुनाव के नतीजे घोषित नहीं हो सके क्योंकि नतीजे कुछ और आ रहे थे, बहुत सारी बातें चल रही थी। और वही देश जो खुद पॉलिटिकली इतना अनस्टेबल है, वो देश खुद की सत्ता को, खुद की आवाम को संभालने के बजाय पड़ोसी मुल्क को कैसे अशांत किया जाए, कैसे पड़ोसी मुल्क को जख्म दिए जाए, इस चीज पर ध्यान केंद्रित करता है। आज के दिन और समय भी लगभग वही है, 3 बजे के आसपास अभी है, और कोई भी उस वाकया को भूल नहीं सकता है कि जो आज से 5 साल पहले हुआ था। और जैसा आपने कहा, सबों के आंखों में आंसू थे, एक एकदम उबलता हुआ खून था, गुस्से की भरमार थी कि किस तरह से इन आतंकवादियों को हाउ टू ब्रिंग देम टू द बुक, कैसे इनको इनका संहार किया जाए, ये सारी बातें चल रही थी। लेकिन एक और चीज है जो कि हमें याद रखना है, देखिए इसमें सिर्फ पाकिस्तान का नाम लेके चादर झाड़ लेना नहीं, इसमें सिर्फ पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं था, इसमें भारत के भी कुछ नुमाइंदे थे, भारत में रह रहे कुछ नुमाइंदे थे जो पाकिस्तान की शह पे, उनके इशारों पे यहाँ पे काम करते हैं। और वही एक ऐसा चीज है, वही एक ऐसा नासूर है जो हमें बार बार ये सोचने के लिए बाध्य कर रहा है, जहाँ पे कि सरकार अभी तक कोई एक पुख्ता फॉर्मूला लेके नहीं आ पाई है। क्या दूसरा पुलवामा को रोका जा सकता है आज के दिन में? मैं भरोसे से कह सकता हूँ कि जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ना, क्योंकि जो समस्याएं हमने देखी हैं, हाँ। चाहे LOC पे, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर पे, ये अभी भी पोरस हैं। ये जिहादी वहां पे बिल खोद के वो सुरंग बना के हमारे यहाँ आ रहे हैं। अब देखिए, अभी आज के दिन में हम एक जिहादी ऑर्गेनाइजेशन से बात करते हैं, वो है हमास। हमास ने पूरे गाजा को वो चूहों के बिल जैसा टनल का जाल बना रखा है। और उसी तरह की एक जो हिंट, एक जो इंडिकेटिव, जो टनल का सिस्टम यहाँ पे पाकिस्तान और भारत के बीच में चलता है। याद कीजिए, कल के दिन खुदा ना खास्ता कोई एक ऐसा टनल पाकिस्तान की तरफ से बनाया हो जो यहाँ के हमारे धरती पे कश्मीर वाले भाग में, चाहे किसी मस्जिद में खुल रहा हो या किसी ऐसे नुमाइंदे के घर में खुल रहा हो जो कि उनके इशारों पे चल रहा है, तो फिर तो उस टनल से ऐसे जिहादी किसी भी समय में आ सकते हैं और ऐसे वारदातों को फिर से अंजाम दे सकते हैं। और हम देख ही रहे हैं कि एवरी नाउ एंड देन, चाहे वो रजौरी का एरिया हो, चाहे उसके पूंछ का एरिया हो, ऐसी वारदातें हो रही है जहाँ पे ये टेररिस्ट कह लीजिए इनको या जिहादी कह लीजिए, ये आ रहे हैं, ये इन्फिल्ट्रेट हो रहे हैं, इनको वहां पे पनाह मिल रही है और तब उसके बाद पनाह लेके तब हमारी सेना पे वो कार्रवाई करके या तो भाग जाते हैं या रहते हैं। जो जिस खतरे के बारे में आप इशारा कर रहे हैं उसके बारे में मैं शाह साहब से सवाल कर लेती हूँ, फिर आप बताइएगा कि सॉल्यूशन क्या है, अगर ये खतरा है तो उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। मोहम्मद अली शाह साहब, आपके पास मैं आऊंगी। जिस तरह से झा साहब कह रहे हैं कि अब भी आतंकवादी घटनाएं हमारे देश में होती है, इतना बड़ा अटैक नहीं हुआ लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अब भी जिहादी या यूं कहें कि पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाले आतंकी हमारे देश में पनाह ले लेते हैं, लोगों को, किसी को बहका के, किसी को डरा के, किसी को बरगला के उनकी पनाह में छुप जाते हैं, उनकी आड़ ले लेते हैं, तो क्या वाकई ये मुमकिन है कि हमारे देश में भी जिस तरह से हमास ने जाल फैला लिया था बहुत खामोशी के साथ रहकर, हमारे देश में भी कुछ इस तरह की गतिविधि को अंजाम दिया जा सके?
जी आपका बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत ही सूझबूझ वाला सवाल है आपका। देखिए जो हमस 7 अक्टूबर को इसराइल में हमस ने किया, ये बहुत ही खतरनाक चीज थी और सारे मुल्कों को इससे सीखना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। देखिए हम बदकिस्मती से पुलवामा हो गया था 14 फरवरी 2019 में। हाँ। मैं ये कहूंगा कि हमारी देश के जाबाज फौजी अपनी जान की परवाह करे बगैर, अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जान पे खेल कर जो हमारी सरहदों की रक्षा करते हैं और हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं, आप सोचिए वो ना हो तो एक पुलवामा क्या है, तो इन्होंने कितने ऐसे पुलवामा अटैक्स रोके होंगे। बहुत हमारे फौजियों ने, इन्होंने जो मेहनत की होगी, जो दूर दराज इलाकों में बर्फीले चट्टानों में परिवार से दूर छुट्टी टाइम पे नहीं मिलती होगी, वहां पे कितने ऐसे घातक अटैक्स रोके होंगे इन्होंने, क्योंकि वो है तो सब महफूज है। अब देखिए क्योंकि अगर दोबारा जैसे कि जो हमस ने किया इसराइल पे ऐसा ना हो तो हमें सतर्क रहना पड़ेगा। हमको आम जनता को भी केवल जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि दिल्ली बम्बई बैंगलोर चेन्नई कलकत्ते जहां पे बैठे, अगर हमें शक कहीं पे होता है कुछ भी तो हम फौरन हम पुलिस को बताएं। अगर कोई भी अक्सर मैं देखा है ऐसा कि आईडी कोई भी वहां पे मोबाइल फोन पड़ा हुआ है जमीन पे, लोग लालच में आके उठा लेंगे उसको फोन को, अरे फोन है, एक आईफोन दिख गया, क्या पता बम भी हो, खुदा ना करे, गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे ऐसा ना हो कभी, लेकिन हमको भी अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। शाह साहब एक सवाल मैं यहाँ पर आपसे लूंगी। देखिए अक्सर ये कहा जाता है क्योंकि बेरोजगारी है, क्योंकि शिक्षा नहीं है, ठीक अशिक्षा है, लोग कम शिक्षित हैं, इसलिए लोग हाथ में पत्थर उठा लेते हैं, इसलिए लोग भटक जाते हैं। लेकिन शाह साहब क्या आपको नहीं लगता अगर हम गौर करें तो हमारे देश में जो बड़ी बड़ी आतंकी घटनाएं घटी हैं उसके मास्टरमाइंड अच्छे पढ़े लिखे लोग रहे हैं, कि कई मामले ऐसे हैं, कई हमारे पूर्व में हमारे देश में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं उससे जुड़े हुए लोग, कुछ डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, वो अच्छे पढ़े लिखे लोग थे। तो ये जरूरी नहीं कि अगर आपके पास सुविधाओं का आपकी अभाव है कि कमी है तो ही आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। आपने बिल्कुल है, बल्कि 100% की बात करी है आपने। मैं एक बात बताता हूँ आपको, आपके और आपके चैनल के माध्यम से हमारे देश की जनता आवाम को मैं ये बताना चाहूंगा कि जो लोग उग्रवादी हरकतों को फुट सोल्जर्स जो फायदे होते हैं वो आके अंजाम देते हैं, जो बम लगा देते हैं, इनको बेवकूफ बनाया जा रहा है, जन्नत दिखाई जा रही है फालतू की जी, कुछ नहीं होने वाला, इनको हूर परी दिखाई जा रही है कि अरे यार आखिरियत में क्या होगा वो अलग बात है, इस जन्म में इस जिंदगी को तो अच्छे से जी लो, यहाँ पे तो आप खजे से पेश आओ, यहाँ पे तो अच्छे इंसान बनो, लेकिन इनको ऐसा जी आप ये कह रहे हैं कि उनको एक उनको ब्रेन वॉश जो हम वर्ड यूज करते हैं, इस तरीके की चीजें की जा रही है, लेकिन लोगों को खुद अपने विवेक से काम लेना होगा तब उन्हें समझ में आ पाएगा कि जो लोग उन्हें ये सिखा रहे हैं जन्नत के बारे में, हूर के बारे में, मौत के बाद दूसरे जहां के बारे में, वो पहले इस जहां को समझ लें। वीएन झा साहब, हम बात ये कर रहे थे कि क्या हमारे देश में भी हमास जैसा खतरा पैदा हो सकता है, तो अगर इस तरह की सिचुएशन आपको लग रहा है कि ऐसा खतरे का अंदेशा हो सकता है, कोई भी सिचुएशन अनअवॉइडेबल नहीं है, तो कैसे इसे अवॉइडेबल बना सकते हैं, कैसे हमें सतर्कता बरतनी होगी, कौन से वो लूप होल्स हैं जिसका फायदा आतंकी उठा सकते हैं हमारे देश में? बिल्कुल ठीक है आपने, जो इसकी पॉसिबिलिटी है, थियोरेटिकली ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इस तरह की वारदातें को जन्म दिया जा सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है जो आप हमस देख रहे हैं और जो भारत में देख रहे हैं। भारत में जितने भी मुसलमान हैं उसमें से लगभग मैं दावे से कहता हूँ 97-98% जो है वो हमारे अपने ही भाई हैं जी, जिनके बाप दादों ने, उन जिनके पुरखों ने कभी कन्वर्ट किया था, चाहे जानबूझ के या फिर पोस्ट करके। लेकिन ये सब हमारे पीसफुल सोसाइटी में रह रही है। देखिए मुसलमान पार्टीशन के बाद भारत में कैसे बढ़ रहे हैं, हाँ। वो इसलिए बढ़ रहे हैं कि यहाँ के जो हिंदू हैं वो काफी टॉलरेंट हैं, हाँ। वो हमेशा पीस लविंग हैं, और सिर्फ हिंदू ही नहीं, हम जैसे अपने गांवों में जाते हैं, जो हम रूरल एरिया में जाते हैं वहाँ पे मुसलमान भी काफी पीस लविंग हैं, काफी हार्ड वर्किंग पीस लविंग हैं, वो रोज का रोज अपना मजदूरी करते हैं, वो खुदा का खुद नमाज पढ़ते हैं और शाम में सो जाते हैं।
तो ये लोग सब पीस लविंग हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात जो आपने पूछा था, जिसका कि मैं थोड़ा सा क्लारिफाई करना चाहूंगा, जो अभी अली ने जवाब दिया था, अली ने भी बिल्कुल ठीक जवाब दिया। देखिए, ये जो टेररिस्ट हैं, जैसा आपने कहा है, ये वो लोग नहीं है जो ऑप्रेस्ड हैं। अगर ऑप्रेस्ड लोग टेररिस्ट होते तो कश्मीर से जितने पंडित बाहर निकले हैं सबों ने बंदूक उठा लिया होता है। अगर ऑप्रेस्ड लोग अगर टेररिस्ट होते तो शेड्यूल ट्राइब जो जनजाति के लोग हैं उनको ऑपरेशन में रहना पड़ रहा है, तो वो लोग सब बंदूक उठा लेते। क्या उन्होंने बंदूक उठाया है? नहीं। तो ये जो चीज है कि जो भी कहता है कि जो 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 भी जिहादी है वो बंदूक उठा रहा है, नहीं, वो इसलिए नहीं बंदूक उठा रहा है कि क्योंकि वो ऑपरेस्ट है, उसमें इंजीनियर है, जैसे अभी अली ने कहा है, उसमें इंजीनियर है, उसमें डॉक्टर है, उसमें साइंटिस्ट है, उसमें पढ़े लिखे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो काफी हाई प्रोफाइल में वहां पे काम करते हैं। तो हाँ, इसका ऑपरेशन से कुछ लेना देना नहीं है। और लास्ट में एक चीज बताता हूँ, जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, जिस तरह का उकसावा जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी दे रही हैं ये जिहादियों को, आज के दिन में आप जानते हैं स्टीमी से बैन शुरू हुई थी और उसके बाद बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो की रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, भारत में बैन है। लेकिन एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने से आपको कुछ नहीं मिलता है। हमने पाकिस्तान में देख लिया है, पाकिस्तान में आज के दिन में 34 जिहादी तंजीम्स हैं और उसमें से तीन के ऊपर में जो है वो जो तीन जो है प्रोस्क्राइब हैं, लेकिन उन्होंने अपना नाम भी नहीं बदला है, उन्होंने अपना सिर्फ जो जो आउटलुक है बदल दिया, एक के गोदी से बैठ के दूसरे गोदी में बैठ गए हैं। जैश को आपने बैन कर दिया या और को बैन कर दिया, वो दूसरे नाम से वो फ्लरिश कर रहे हैं। तो इसको ये जो आइडियोलॉजी है, अनफॉर्चुनेटली ये आइडियोलॉजी उनके किसी न किसी किताब से जो है, जो जो उनके धार्मिक बुक हैं इस्लाम के, उसमें से आता है। और उसमें है, उसमें कुछ जो आयते हैं ऐसे हैं जो कि दूसरों को बर्दाश्त नहीं करते, जो जो नॉन मुस्लिम से उसको बर्दाश्त नहीं करते। मैंने एक आर्टिकल लिखा था और उसमें मैंने ये लिखा था कि यहाँ पे किस तरह से फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, और इसकी कॉपी मैंने होम मिनिस्ट्री को भेजी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजी है, चीफ जस्टिस को भेजी है, लेकिन किसी के पास में इतनी हिम्मत शायद मुझे नहीं दिखती कि ये जो बेसिक प्रॉब्लम है मिलिटेंसी का या रेडिकलिज्म का, उसको एड्रेस करने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्योंकि जो आइडियोलॉजी निकलती है वो इसी से निकलती है, और अनफॉर्चुनेटली आज के दिन में पूरे विश्व में एक ही ऐसा कंट्री है जहां पे कि ये रेडिकलिज्म जो है इसको बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है, और वो है चाइना, जिसका गुणगान जो है वो मुफ्ती महबूबा भी करती है और फारूक अब्दुल्ला भी करते हैं, लेकिन चाइना ही एक ऐसा कंट्री है जिसने इस्लामिक रेडिकलिज्म पे लगाम लगाया हुआ है। वहाँ पे बच्चों को कुरान पढ़ने से मना कर दिया है, 16 साल से कम के बच्चे वहाँ पे कुरान नहीं पढ़ सकते। झा साहब, मुझे लगता है कि किसी के धार्मिक ग्रंथ पे हम पाबंदी लगा दें या किसी धर्म पर ही सवाल उठा दें, ये थोड़ा सा हार्श हो जाएगा, क्योंकि खास हमारे देश को तो वैसे भी हम एक गुलदस्ता कहते हैं, तो इस गुलदस्ते में हर रंग का हर तरह का फूल होगा। बात यह है कि उस फूल के साथ अगर कुछ कांटे हैं तो हम कैसे उन कांटों को चुन दें और उस फूल के खूबसूरती के साथ इस गुलदस्ते को बनाकर रखें। बहरहाल, बहुत शुक्रिया बीएन झा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहम्मद अली शाह साहब, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पुलवामा अटैक को आज 5 साल पूरे हो चुके हैं। भारत ने तुरंत ही एक्शन लेते हुए 12 दिन बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक किया, इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान के नापाक इरादों पर पानी फेरने का पूरा काम किया, उसे सबक सिखाया, लेकिन बावजूद इसके कसक अब भी बाकी है, क्योंकि 5 साल पहले पहुंची वो क्षति कोई भुलाए नहीं भूल सकता। 39 जवानों के घरों में आज भी 14 फरवरी का दिन मातम का दिन माना जाता है। पूरे देश में लोग आज भी गमगीन होते हैं, क्योंकि 14 फरवरी का वही दिन था जब हमने 40 वीर जवानों को खो दिया था। हमारे सीआरपीएफ के पूरे कॉन्वॉय पर इस तरह से अटैक किया गया कि 40 जवानों को हमने खो दिया। ये वही जवान थे जो अपने घर से दूर बैठे हुए थे हमारी सुरक्षा के लिए, और हमारी रक्षा करते हुए वो आतंकियों के हमले का शिकार हुए, एक ऐसा हमला जिसका किसी को अंदेशा भी नहीं था। लेकिन पाकिस्तान अपनी फितरत से
मजबूर है, वो हर बार ऐसे ही कायराना अटैक करता है, कायराना हमले करता है। भारत उसका हालांकि मुंहतोड़ जवाब देता है, लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले समय में हम पुलवामा जैसे किसी अटैक के लिए कोई गुंजाइश न छोड़ें, न सिर्फ हमारा देश हमारे नागरिकों के लिए सुरक्षित हो, आम नागरिकों के लिए सुरक्षित हो, बल्कि हमारी सरहद पर तैनात हर वो फौजी सुरक्षित हो जो अपने घर को पीछे छोड़कर एलओसी पर आया है या फिर किसी भी और बॉर्डर पर खड़ा हुआ है, चाहे वो पाकिस्तान का बॉर्डर हो, चाहे वो चाइना का बॉर्डर हो। हर इंटरनेशनल बॉर्डर पर हर सिपाही महफूज रहे जैसे हम अपने घरों में महफूज हैं। बहरहाल फिलहाल टीवी 27 के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।